हेलो एवरीवन टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एक्सप्लोरिंग इंडिया नाउ द वर्ड एक्सप्लोरिंग मीन्स ट्रैवल थ्रू एन अनफेमिलियर और अफेमिलियर एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट जब हम किसी भी एरिया को ट्रैवल करते हैं ये सोच करके कि हम उसके बारे में कुछ नया सीखेंगे कुछ नया लर्न करेंगे उसको हम कहते हैं एक्सप्लोर करना सो टुडे वी विल एक्सप्लोर इंडिया सो एज़ वी ऑल नो India has a unique blend of traditions, um, customs, religions, and languages. Religions like Hinduism. Uh, बुद्धिज्म बुद्धिस्ट पीपल यूज टू फॉलो बुद्धिज्म जैन टू बी फॉलोअर फॉलो करते हैं Judaism, Judaism, जो होते हैं जिनकी होली बुक है तोरा अस uh, पीपल जिस रिलिजन uh, को फॉलो करते हैं उसका नाम है जुडेजम देन जोरोस्ट्रिज्मी रेड अबाउट द परशियन पीपल अर्लियर परशियन पीपल यूज टू बिलीव इन द फेथ ऑफ जोरोस्ट्रियन उनको जो है जोरो रिलीजन वो फॉलो करते हैं उसको जोरो इस्लाम पीपल देयर इन इंडिया एंडसो को एग्जिस्ट इन हार्मनी सो दिस इज अ मेक्स इंडिया अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम हेयर To see uh, the historical monuments, the natural beauty, and participate in adventurous activities like rafting, skiing paragliding tracking boating sailing etc then uh, of course the colorful festivals uh, tourists also enjoy the colorful festivals and the uh, dance and music of india so now let us take a journey let us take a visit to few places in india we will start with visit to आगरा ऑफकोर्स लॉकडाउन टाइम है तो इस लॉकडाउन में हम फिजिकली तो वहाँ पर नहीं जा सकते बट वी कैन हैव अ वर्चुअल टूर टू लेट्स डिस्कवर आर ग्रेट हैरिटेज एंड वी विल बिगेन दिस फ्राम अ विजिट टू आगरा आगरा विच इज इन विच इज़ लोकेट इन दॉर्दर्न इंडिया द स्टेट ऑफ नार्दर्न इंडिया नेम्ड उत्तर प्रदेश जहाँ पे आगरा है So, it is located in Uttar Pradesh and it is 204 kilometers away from Delhi and is very well connected by air route, by train route, and by road transport. The Delhi Agra फ्लाइट टेक्स अबाउट फोर्टी मिनट्स फ्रॉम डेली टू आगरा एंड फ्रॉम आगरा टू डेली अफकोर्स एंड द नेम ऑफ द एयरपोर्ट इज पंडित दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट और फोर्टी मिनट्स में आप डेली से आगरा बहुत ईजीली पहुँच सकते हैं एंड देर आर मेनी ट्रेन्स बिटवीन डेली एंड आगरा लाइक ताज एक्सप्रेस एंड द पैलेस ऑन व्हील द वेरी फेमस द पैलेस ऑन व्हील एट्सेट्रा एंड ऑल दीज द आगरा स्टेशन

एंड uh, जो एन एच नाइनटीन है जो डेली आगरा नैशनल हाई वे है काफ़ी ब्रॉड एंड काफ़ी फेमस हाई वे है और इसको एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है ना डू यू नो दैट डेली आगरा एंड जयपुर इज पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन ट्राइंगल एज यू कैन सी हियर दिस इज डेली दिस इज़ जयपुर एंड दिस इज आगरा इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल एंड वाई इट इज कॉल्ड गोल्डन ट्राइंगल क्योंकि ये वो ट्राइंगल है ये वो रूट है जिसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो विजिट करते हैं नेक्स्ट इज पैलेस ऑन व्हील्स अभी अभी हमने बात की कि कुछ uh, ट्रेन्स हैं वेरी फेमस ट्रेन्स लाइक ताज एक्सप्रेस एंड द पैलेस ऑन व्हील जो हमें दिल्ली से आगरा लेकर के जाती हैं एंड ये स्पेशल सुपर लग्जरी है, as in their name indicates, का मतलब क्या होता है? महल, महल। बहुत बड़ा महल. So, uh, 1982 में इसको स्टार्ट किया गया था। और व्हील्स uh, के ऊपर यानी कि नीचे पहिए हैं, नीचे व्हील्स हैं, उसके ऊपर पैलेस है सो दिस ट्रेन चग्स आउट ऑफ डेली टू राजस्थान एवरी वेन्सडे नाइट हर वेंसडे नाइट को पैलेस ऑन व्हील दिल्ली से स्टार्ट करती है राजस्थान की तरफ मूव करना एंड द ट्रेन मूव्स बाय नाइट एवरी नाइट इट यूज टू मूव एंड अराइव्स ईच मॉर्निंग एट अ न्यू डेस्टिनेशन मॉर्निंग में ये न्यू डेस्टिनेशन में पहुंचेगी उसके बाद यू कैन विजिट दैट डेस्टिनेशन यू कैन विजिट द प्लेस एक्सप्लोर दैट प्लेस एंड देन कम बैक टू द ट्रेन एंड इन नाइट इट अगेन बिगिन इट्स जर्नी द जर्नी ऑफ एट डेज एंड सेवन नाइट्स टेक यू टू पिंक सिटी जयपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर द सिटी ऑफ लेक रंथमपुर नेशनल पार्क जैसलमेर जोधपुर भरतपुर फतेहपुर सीकरी एंड ऑफकोर्स द वर्ल्ड फेमस द ताजमहल वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड द ताजमहल एंड डे वन जब होता है डे वन को ये न्यू डेली से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी एंड ऑन डे नाइन इट्स brings you back to the delhi only so now we will explore taj mahal so Agra has become world famous as a home of the enchanting Taj Mahal. It is one of the most beautiful piece of architecture. It was built by the it was built by the Mughal emperor Shah Jahan on the bank of river Yamuna in the memory of his beloved wife Taj Mahal. Taj Mahal is made of white marble with beautiful inlay work, and it. It has beautiful gardens in the forefront. Now, uh, do you know that the work on Taj Mahal started in 1631 AD and it took 22 years for 20,000 people to complete it? And the construction material was brought from different parts of India uh, from China, Tibet, Sri Lanka, and Arabia so moving on next we will learn about the agra fort we will explore Ag agra fort the famous agra fort lies two kilometers away from the taj mahal and the construction of the fort was started by akbar and was uh, completed during shah jahan period the two main gate entrance of uh, to the fort are called the delhi gate which you have seen this is the Delhi gate and the second entrance is the Amar Singh gate. Now, Agra Fort consists of many buildings like Jahangiri Mehel. This is um, very beautiful Jahangiri Mehel, and another part of it is uh, the Khas mahal This is the Khas mahal and uh, then the Mosamman. बुर्ज नाउ द वर्ड मोसमन। मोसमन का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल मोसमन का मतलब होता है ये उर्दू वर्ड है और इसका मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल As एज यू कैन सी दिस you can see ये ऑक्टा है ऑक्टा means एट कॉर्नर्स इट इज हैविंग एट कॉर्नर्स इसलिए इसे ऑक्टा यानी कि मोसमन कहा जाता है और बुर्ज का मतलब होता है टावर या मिनरट uh, uh, बहुत बड़ा सा मीनार या टावर एंड एज वी टॉक अर्लियर दैट इट द आगरा फोर्ट लाइज ओनली टू किलोमीटर्स अवे फ्राम द ताजमहल दिस रेड एरो शोज यू द ताजमहल आप यहां से जो मुसमन बुर्ज है अफकोर्स इट इज एन टावर तो इस टावर से आपको ताजमहल इज ऑल्सो विजिबल एंड देन नेक्स्ट इज द दीवाने खास दीवाने खास जो अर्यर uh, uh, जो किंग्स होते थे उनका कोर्ट होता था जहाँ पे सब गैदर होते थे एंड डिस्कशन होता था जो ईशूज uh, होते थे पब्लिक uh, के उनको सॉल्व किया जाता था सो दिस इज़ द गैदरिंग प्लेस दिस इज़ दीवाने खास एंड दिस इज़ द शीश महल सी आप देख रहे हैं इसका जो फ्लोर है वो कितना ब्यूटिफुल है और ऊपर इसका जो रूफ नज़र आ रहा है इनर रूफ जो आपको नजर आ रहा है उसमें मिरर्स लगे हुए हैं और उन मिरर्स में जो फ्लोर की टाइल्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन आ रही है

सिटी को कंस्ट्रक्ट किया गया था और सीकरी नाम का विलेज था जहाँ पे इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था इसके आगे क्योंकि अकबर विक्टोरियस लौटे थे तो इसलिए सीकरी विलेज के नाम के आगे फतेहपुर यानी कि विक्ट्री को ऐड किया गया और इस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ गया और Uh, जो फतेहपुर सीकरी है इज इट इज थर्टी सेवन किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा एंड टाउन वॉज कम्प्लीटली बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन ये जो पूरा टाउन है इसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है रेड uh, uh, जो सैंडस्टोन uh, है जो स्टोन है इसका कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन दिस एंड दिस रेड सैंडस्टोन is also having a healing property it is well famous it is believed to heal the bone disorder the eye disorder hair and nail diseases and it it is also famous for its water retention फर्दर द स्लोपिंग लेवल ऑफ फतेहपुर व कनेक्टेड विथ टैरेसेस एज यू कैन सी ये स्क्वेयर uh, शेप में रेक्टेंगुलर शेप में आपको पीछे तक दिख रहा है कि पूरे टेरेसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं यहाँ से अगर आप ऐसे फर्दर चलेंगे और ये जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर जिनके बारे में हम अभी और जानेंगे और ये पूरा जो टैरेस है वो पूरा अच्छी तरह से कनेक्टेड है जो टेरेस है डिफरेंट बिल्डिंग्स के साथ और इसके अंदर जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ इसमें अंदर और बिल्डिंग्स हैं और जो जो से से ये जो ये जो टेरेसेस है ये स्लोप में है ताकि पानी ऊपर छत पे रुके नहीं ये ये स्लाइड डाउन हो जाए फर्दर दिस दिस इज द जा मस्जिद द मस्जिद एरिया जामी मस्जिद इन साइड द फतेहपुर फोर्ट एंड इज द बुलंद दरवाजा ये है बुलंद दरवाजा नेक्स्ट इज द टूम ऑफ शेख सलीम चिष्टि दैन नेक्स्ट दिस इज पंचमहल ये पंचमहल है एज यू कैन सी पंच पंच का मतलब होता है फाइव सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऊपर इसके फाइव रूफ हैं दैट्स वाई इसका जो नेम है इसका नाम है पंच महल एंड नेक्स्ट इज द अनुप लाओ ना सी uh, जो फतेहपुर सीकरी है यहाँ पे थर्टीन ईयर्स तक अकबर ने यहाँ पे कोर्ट का पूरा काम देखा टेन ईयर्स तक ये मुगल एम्पायर uh, की कैपिटल रही उसके बाद अ uh, जो अकबर है ही मूवड ही वेंट फॉर द पंजाब कैम्पेन वो पंजाब में विक्ट्री के लिए उन्होंने वो ही uh, लेफ़्ट फ़तेहपुर सीख रही और उनके uh, जाने के uh, कुछ सालों के बाद विद इन टू ईयर्स इनफैक्ट उनके जाने के uh, दो साल के बाद जो है इस पूरी सिटी को अबेंडन कर दिया गया इसको छोड़ करके लोग चले गए द रीज़न वॉज कि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गई थी यहाँ पे पानी की कमी हो गई थी फिर लेटर uh, ऑन जब मुगल यहाँ से चले गए तो एक किंग हुआ करते थे उनका नाम था राजा अनुप सिंह सिकरवार जो राजा अनुप सिंह सिकरवार थे इन्होंने देखा कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इन्होंने यहाँ पे अनुप तलाव नाम से वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट करवाया ये वाटर टैंक जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये वाटर टैंक राजा अनूप सिंह सकर्रवार ने यहाँ की पानी की कमी को फुलफिल करने के लिए कंस्ट्रक्ट करवाया था और uh, वो काफी हद तक सक्सीड uh, भी हुए थे नाउ दिस टाउन हैड अ मोस्ट वेल प्लांट ड्रेनेज एंड वाटर वाटर सप्लाई सिस्टम नाउ

सलीम चिश्ती जी ये वो सेंट हैं जिन्होंने अकबर के लिए भविष्यवाणी की थी इन्होंने कहा था कि अकबर का जो नेक्स्ट जो बच्चा होगा वो एक लड़का होगा वो एक बेटा होगा और उसका नाम जो है बाद में शाहजहां रखा गया जिसे जहांगीर भी बोला जाता है सो दैट्स वाई इनके ऑनर में इनकी टूम भी यहाँ पे बनाई गई है और इन्हीं के ऑनर में थर्टीन ईयर्स तक इन्होंने जो कोर्ट का जितना भी काम है वो शिफ्ट कर दिया था फतेहपुर सीकरी में और यहीं से सारा कंट्रोल किया था उन्होंने नाउ मूविंग ऑन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मूव अराउंड इन आगरा इन टैक्सीज इन ऑटो रिक्शाज साइकिल as एंड these are very easily available there

रेड सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्ट करने का प्रपोजल दिया गया था बट शाहजहाँ को वाइट मार्बल बहुत पसंद था और उन्होंने दिस इज़ द ओनली चेंज दैट शाहजहां डिड इन दिस होल प्लान ताजमहल कंस्ट्रक्ट करवाने के जो पूरा प्लान था जो पूरा आर्किटेक्चर था उसमें ओनली कंट्रीब्यूशन या ओनली चेंज जो शाहजहां ने करवाया था वो ये था कि रेड सैंडस्टोन की जगह पे ताजमहल को उन्होंने वाइट मार्बल से बनाने का ऑर्डर दिया था एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस ब्यूटीफुल एंच वाइट ताजमहल

Only such kind of things are allowed. So the.